हम कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे और उनका शाब्दिक अर्थ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले है प्रातः स्मरणीय शहीदों का वंदन है जिनके त्याग तपोवन से माटी चंदन है। यानी कि कवि ने यह बात अपने देश के वीर शहीदों के लिए कही है कि सुबह जब हम प्रातः उठते हैं तो अपने शहीद सैनिकों के सम्मान में वंदन करते हैं, यानी कि उनको नमन करते हैं जिनके त्याग से और तपोवन से आज इस देश की मिट्टी चंदन के समान है। अगला पंक्ति है जिन्हें आत्मसमान रहा प्राणों से प्यारा उन्हें याद करती अब भी गंगा की धारा। यानी कि हमारे देश के जो शहीद सैनिक हैं उनकी आत्मसम्मान देश के प्रति अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारा था। जैसे कि गंगा की धारा बहती है कलकल करते हुए उनकी यादों को नमन करती है। चलिए अगली पंक्ति है जिन्हें आत्मसम्मान रहा प्राणों से प्यारा उन्हें याद करती है अभी गंगा की धारा। यानी कि हमारे जो देश के शहीद सैनिक हैं वो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, यानी कि देश के लिए समर्पित कर दिए, देश के आत्मसम्मान में जिनके चलते आज भी हमारे गंगा की धारा कलकल करते हुए उनके सम्मान में बहती है। ले हाथों में शीश चले ऐसे मतवाले आजादी के लिए हलाहल पीने वाले। हमारे देश के शहीद सैनिक ऐसे चलते थे शीश शीश यानी कि अपने सर को हाथ में लेकर अपने देश के लिए मतवाले होके चलते थे, मतवाले रूप में चलते थे, अपने देश की आजादी के लिए हलाहल यानी कि विष पीने के समान महसूस करते थे कि हम अपने देश की आजादी के लिए विष भी पी सकते हैं। वालों का हृदय से नमन है जिनके त्याग का पवन से माटी चंदन है। वैसे हमारे देश के शहीद सैनिक को हम लोगों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से हृदय से नमन है, नमस्कार है जिनके जिनके त्याग तपोवन से आज हमारे देश की मिट्टी चंदन के समान है। जिनकी दृढ़ता से उन्नत है आज हिमालय अब उनके पश्चिम हमारे लिए शिवालय। जिनकी दृढ़ता से यानी कि हमारे देश के शहीद सैनिक जो हुए उनकी दृढ़ता से आज भी हिमालय पर्वत जो है उन्नत है अब उनके पदचिन्ह, पदचिन्ह मतलब पैरों के निशान हमारे शिव के आलय यानी कि शिवालय के समान है। शिव के आलय का तात्पर्य हुआ यानी कि शिव यानी कि शिव के रहने का जगह स्थान निवास। आज तिरंगा जिनकी याद लिए फहरता वक्त आज भी जिनकी गौरव गाथा गाता। आज भी हम उन शहीद सैनिकों के सम्मान में तिरंगा फहराते हैं और आज का वक्त उनके लिए गौरव गाथा करता हुआ प्रस्तुत होता है। धन्य नीम के पत्थर जिन पर बना भवन है जिनके त्याग का पवन माटी से चंदन है। आज वही धन्य शहीद सैनिक हैं जो हमारे लिए एक नीम के समान थे और अपने देश के सम्मान में अपने प्राण की आहुति कर दिए। उनकी नीम के चलते आज हम और यह हमारा सारा देश उस नीम के ऊपर खड़ा है जिनके त्याग और तपोवन से आज भी हमारे देश की मिट्टी चंदन के समान है। महके इस गुलाब गंध बाटे खुशहाली नौ दुल्हन से खेतों में नाचे हरियाली। यानी कि कहने का मतलब कि हमारे खेत में जितनी भी हरियाली है वह नई दुल्हन के समान है, नाचती हुई प्रस्तुत होती है और 20 गुलाब के महक समान यह उनकी कर्मठता हमारे देश के प्रति देश के प्रति आत्मसम्मान ऐसा महसूस होता है कि कोई नई नवेली दुल्हन नाचती हुई प्रस्तुत होती है। अनुशासन से देश नया जीवन पाता, कम से नहीं आगे जा पूजा पाता। अनुशासन बच्चों आपके लिए भी या देश के लिए बहुत जरूरी है। जो अनुशासन में रहता है वह तरक्की करता है और उन्हीं की कर्मशील यानी कि उन्हीं की कर्म की पूजा होती है। आज धरा खुशहाल और उन्मुक्त गगन है जिनके त्याग का पवन से माटी चंदन है। आज धरा खुशहाल और
जिनके त्याग का पवन से माटी चंदन है। धरा मतलब धरती, धरती आज उन शहीदों के सम्मान के चलते